कैसा पाकिस्तान जो जात पात बरादरी के तसबात से पाक हो, जहां किसी के मजहबी अकायद की वजह से उसके साथ इम्तियाजी सलूक ना हो और जहां तमाम शहरी बराबर हों। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज का मौजूदा पाकिस्तान ऐसा ही है जहां हुक्मरान, फौजी, जज और सिविल सर्वेंट समेत कौमी ख़जाने से तनख्वाहें लेने वाले सब खुद को आवाम के खादिम और कानून के ताबे समझें। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज का मौजूदा पाकिस्तान ऐसा ही है जहां अदालतें हर किस्म के दबाव से आज़ाद, आईन और कानून के मुताबिक सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम कर रही हों, जहां की पुलिस अवाम की मुहाफिज और उनकी इज्जत व आबरू की रखवाली हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज का मौजूदा पाकिस्तान ऐसा ही है जहां मकान, तालीम, सेहत और रोज़गार की बुनियादी सहूलियात हर शहरी को फराहम करने की जामे रियासत हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज का मौजूदा पाकिस्तान ऐसा ही है जिसका ख्वाब अलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और जिसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने पाकिस्तान की सूरत में की। क्या उसकी तामीर कायद के दिए हुए तसव्वुर के मुताबिक हो रही है? इसका जवाब आपको मेरे सवालों में ही मिल जाएगा। एक जज्बा खुशबू जैसा था, एक ख्वाब था ठंडी छाओं का, जीवन की सुलगती राहों पर अब कौन यहाँ हलकान नहीं, जो ख्वाब था लाखों आँखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं, ये वो तो पाकिस्तान नहीं, ये वो तो पाकिस्तान।